मैं ब्रज बिहारी पांडे डीएवी दाऊद नगर औरंगाबाद संस्कृत टीचर कक्षा सातवीं के लिए आज स्टार्ट हो रहा है पढ़ाई उसके लिए सर्वप्रथम श्लोक से हम शुरुआत करेंगे। श्लोक जो है वो विद्या के ऊपर है, आप लोग विद्या ग्रहण करने के लिए यहाँ आए हैं तो शुरुआत विद्या से ही करते हैं। तो श्लोक पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा और ध्यान से उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। पुनः एक बार पढ़ेंगे। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परपीडनायां खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब इसका अर्थ जानेंगे, सुनिएगा ध्यान से और लिखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं लिख सके तो सुनिएगा, सुनेंगे तो आ जाएगा। तो कहता है यहाँ इस श्लोक में बताया जा रहा है कि विद्या की महत्ता कितनी है और विद्या यदि दुष्टों के पास जाए और सज्जनों के पास जाए तो किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, इसको आप सुनेंगे। इस श्लोक में कहा गया है, जैसे कहा गया है विद्या विवादाय धनम मदाय, अर्थात विद्या विवाद के लिए, विवादाय चतुर्थी एक वचन, विद्या विवादाय विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन मदाय के लिए यानी अहंकार के लिए, और शक्ति परेशान परिपीडनाय, और शक्ति होता है वो परेशान यानी दूसरे को परपीडनाय यानी दुख देने के लिए। ये किसका होता है लक्षण, ये खलस्य दुष्टों का लक्षण ही होता है। लेकिन जो खलस्य साधु विपरीत में उसी प्रकार से ठीक विपरीत साधु लोग करते हैं, अच्छे लोग करते हैं, सज्जन लोग करते हैं क्या, तो विद्या का प्रयोग वो करते हैं ज्ञान के लिए, धन का प्रयोग करते हैं दान के लिए, और शक्ति का प्रयोग करते हैं रक्षण के लिए, दूसरे को रक्षा के लिए। तो आप लोग हमेशा सज्जन बनिए, सज्जन की तरफ विद्या को क्या करिए, ज्ञान के लिए, धन को दान के लिए, और शक्ति रक्षण के लिए प्रयोग कीजिए। इसके करने से आपको विद्या की प्राप्ति होगी और आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। ठीक, तो इसको पढ़ लीजिए। पुनः जाते जाते एक बार फिर से हम पढ़ेंगे इस श्लोक को राग में। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसको याद कीजिए, लिखिए, फिर आगे के वीडियो में चैप्टर से पढ़ेंगे, पहला चैप्टर जो भी है उसको आरंभ करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद संस्कृतम, जय हिंद भारतम।